हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर MSET 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम एनी टाइम फ्रॉम जीरो। ठीक है, एनी टाइम फ्रॉम जीरो, इन एनी टाइम नहीं, एनी टाइम फ्रॉम जीरो। कभी भी आपको ये है कि मुझे अब स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पर हम सिलेबस, कौन सा टॉपिक कौन सी बुक में से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ट्रिक्स एंड टिप्स पूरे कवर करे जाएंगे। एंड एक शेड्यूल भी देने वाली हूँ मैं आपको कि लिस्ट की कैसे कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डेट ऑफ द एग्जाम क्या रहती है? आपका एग्जाम मार्च या अप्रैल में हो सकता है, कभी कभी बोर्ड्स के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो अगर आप सीरियस हो इस एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ इंश्योर करें कि आप पहले ही इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रख लें। ठीक है, अबाउट द एग्जाम, ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम होता है। आपको सेशन से सिलेक्टेड सेंटर पे जाना पड़ता है और वहां पर जाके एग्जाम देना पड़ता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 आवर्स दिए जाते हैं आपको ये एग्जाम सॉल्व करने के लिए। इंग्लिश और मराठी में ये एग्जाम होता है। लीगल एप्टीट्यूड में से 40 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल नॉलेज में से 30, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में से 40, इंग्लिश में से 30, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में से 10, टोटल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 150 बनते हैं। लीगल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं लॉकरी का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ बहुत जल्द आपके लिए हम बहुत सारी खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लेकर आ रहे हैं, और वीडियो लेक्चर्स तो हैं ही है, तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहीं से ही हो जाया करेगी, जो कि बहुत अच्छी, बहुत डिफरेंट लेवल की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस से वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में से आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने हमारा कोर्स लिया हुआ है, तो आपको सिर्फ कोर्स में से ही सब कुछ कर लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की। बट यस, अगर आपको कोर्स नहीं लेना है, और आप चेक भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर कि क्या क्वेश्चंस डल गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो वो आप वो बाय कर सकते हैं। अगर ओनली वीडियो लेक्चर्स भी लेंगे, तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करेगा, वो ले सकते हैं। नहीं चाहिए वीडियो लेक्चर्स, तो यूनिवर्सल्स की बुक में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी और MCQs पढ़कर जाइए, और इसी बुक के अंदर आप फिर नोट्स बना सकते हैं। राइट, उसके बाद टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ, मिसलिनियस लॉज, ठीक है, ये कहाँ से करने हैं? इसकी जो थ्योरी है, आप LA and LR बाय विली में से कर सकते हैं। LA and LR बाय विली की जो बुक है, उसमें से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लीगल अवेयरनेस MCQs जो हैं, वो आपने यूनिवर्सल्स में से सॉल्व करने हैं, जो ऊपर बुक है उसमें से आप सॉल्व कर सकते हैं। लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस आप विली में से सॉल्व कर सकते हैं, जो आएंगे साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको हमारे मॉक टेस्ट, देखिए MHCET के जो आपके मॉक टेस्ट हैं, जैसे ही अनाउंसमेंट होगी एग्जाम की, हम मॉक लॉन्च करेंगे। आपको लॉन्च पे कुछ ऑफर भी मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, तो अगर आपको वो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टा एंड टेलीग्राम। वहाँ पर आपको जल्दी पता चल जाएगा कि आ गए हैं, तो तब हमारे मॉक्स आते हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। राइट, अगर आपको चाहिए टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ मैं पढ़ा दूँ, तो कमेंट कर देना, एंड अगर हमारा कोर्स आ गया हुआ तो मैं बता दूंगी, नहीं तो मैंने आपको बुक्स बता दी है कहाँ से पढ़ना है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, इसके लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक है, आप उसमें से पढ़ाई कर सकते हैं। हर एक टॉपिक आपको कम से कम 2 to 3 times सॉल्व करना है, हर एक एक्सरसाइज, हर एक एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग, दैट इज अम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इवेलुएटिंग इन्फ्रेंस, सिलॉजिज्म, कॉज एंड इफेक्ट, या आप MK पांडे में से पढ़ सकते हो। एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक आती है, उसमें से करिए आप ये। उसके बाद स्टैटिक GK और MK पांडे में एक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके टॉपिक होगा, सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना बिफोर आप RS अग्रवाल और अरिहंत सॉल्व करने लगो। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स में आपको सिखाया हुआ है टेबल कैसे बनाना है, ट्री कैसे बनाना है, फैमिली ट्री, तो जो भी क्वेश्चन आप RS अग्रवाल या अरिहंत में से सॉल्व करोगे, वो सॉल्व करने आपको आ जाएंगे। स्टैटिक GK जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड स्पोर्ट्स। देखिए, यहाँ पर इस साल थोड़ा इंक्रीज लेवल में इंक्रीज दिखा है, इंक्रीज हुआ है लेवल के अंदर, नो डाउट
यहाँ पर मल्टीपल सेशन होते हैं, एक सेशन के अंदर यू नो स्टैटिक जी के डिफिकल्ट आई थी, बाकी सब में इजी लेवल ऑफ स्टैटिक जी के देखी गई है. बट ऑब्वियसली अगर एक लेवल में, एक सेशन में भी डिफिकल्ट आ गई है तो हमें तो डिफिकल्ट वाली प्रिपेयर करके जानी पड़ेगी और ईजी वाली भी, ठीक है ना. तो इसके लिए अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है, यूनिवर्सल्स की बुक तो आप कर ही सकते हैं, बट साथ ही में जो हमारे क्यू बैंक्स अवेलेबल करवाए हैं हमने, उसके अंदर से आप ज़रूर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है ना. क्यू बैंक्स आपको loggery.in पर मिल जाएंगे, वो बैंक्स आप सॉल्व करेंगे. पहले यूनिवर्सल का सॉल्व कर लीजिए या फिर आप डायरेक्टली क्यू बैंक्स भी ले सकते हैं. अगर आपको हमारे क्यू बैंक बिल्कुल भी नहीं लेने हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, यूनिवर्सल्स की बुक में से जो MCQs दिए हुए हैं वो सॉल्व करो, जो थ्योरी दी हुई है वो भी पढ़ लो, एंड आप साथ ही में अरिहंत की MCQs की बुक ले सकते हो, 2750 MCQs की, वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना. एंड अगर आप हमारा ले रहे हो तो आप क्यू बैंक स्टैटिक जीके के ले सकते हो और वहां से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. उसके बाद करंट अफेयर्स जो है, ठीक है, करंट अफेयर्स के अंदर आपको जून से लेकर के जब तक एग्जाम नहीं होता है मार्च अप्रैल में, या वो कर जाना होता है. देखिए अब यहाँ पर नो डाउट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ओवर द ईयर्स कम आए हैं, बट कंपटीशन बहुत बढ़ गया है. अगर आपको 125-130 स्कोर लेकर आना है तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे 5 क्वेश्चंस आए चाहे 10 आए, ठीक है. एंड यू नेवर नो कितने क्वेश्चंस आने वाले टाइम में आ जाएं, बिकॉज इस बार कहीं ना कहीं कंपटीशन ज्यादा की वजह से कट ऑफ से लोग ज्यादा खुश नहीं थे. तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो कहीं ना कहीं रहता है कि एग्जाम ना डिफिकल्ट कर देंगे लोग, राइट. तो इसीलिए आई एम सेइंग करंट अफेयर्स अच्छे से करके जाओ. उसके लिए आप एजुगिरी का यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है. आप ऑल्सो एजुगिरी 6 PM फॉलो कर सकते हैं. आप हमारा loggery.in के वन शॉट्स भी फॉलो कर सकते हैं, loggery.in के जो वन शॉट्स होते हैं मंथली वो फॉलो कर सकते हैं, अगर आप रेगुलर नहीं अटेंड कर पा रहे हैं क्लास, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है एजुगिरी पर. एंड हमारे MCQs भी बाय कर सकते हैं जो मंथली अवेलेबल होते हैं, जिनका बेस्ट पार्ट ये है कि नॉट ओनली आपका द हिंदू कवर होता है, एक्स्ट्रा न्यूज़ जो PIB वगैरह पर इंपॉर्टेंट है वो भी MCQs में कवर होती है. जो वन शॉट्स होती हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोनों ही कवर होती है, बिकॉज जो एग्जाम बनते हैं आजकल उसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आती है, उसमें लेस इंपॉर्टेंट न्यूज भी आती है, और लेस इंपॉर्टेंट न्यूज ही आपको वो मार्क्स दिलाती है जो कि आपका रैंक एक अच्छा लेवल पर ले जाती है. इंपॉर्टेंट वाला जो है वो तो हर कोई कर लेगा, बट लेस इंपॉर्टेंट जो है वो यूट्यूब, वन लाइनर्स, टेलीग्राम पर नहीं होते हैं, राइट. तो इसीलिए लेस इंपॉर्टेंट करना और अंडरस्टैंडिंग से करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और साथ ही में आपको नोट्स, डिजी नोट्स भी यहाँ पर मिलते हैं. उसके बाद इंग्लिश, अगर यहाँ पर कोई बोल रहा है कि प्रतियोगिता दर्पण में से कर सकते हैं, हमें आपका मटेरियल नहीं लेना है, प्रतियोगिता दर्पण, विजन IAS, दृष्टि IAS, देखो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप विजन IAS, दृष्टि IAS के लिए जाओ फॉर दिस एग्जाम, प्रतियोगिता दर्पण के लिए जा सकते हो, थोड़ा रिस्की है बिकॉज अंडरस्टैंडिंग में इशू आएगा, बट देन अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, ठीक है. उसके बाद इंग्लिश के अंदर idioms एंड phrases, लीगल टर्म्स एंड maxims, वन वर्ड substitution, स्पेलिंग mistakes, ये वाले जो chapters हैं, आपको स्पेलिंग mistake वैसे अलग से चैप्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर जब synonym antonyms पढ़ रहे हैं तभी आप यू नो अच्छे से कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे synonym antonyms इतने नहीं आते हैं तो आप स्पेलिंग mistakes जो हैं पहले स्पेलिंग mistake के जो चैप्टर होते हैं उसमें से अच्छे से करिए, एंड फिर synonym antonyms के रन थ्रू करना स्टार्ट कर दीजिए. हर रोज 5 to 6 synonym antonyms के spellings ही देखिए, ठीक है. उसके बाद idiom phrases, legal terms, maxims, one word substitution, 5 each हर रोज करेंगे. आप इसके लिए नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, SP बख्शी ले सकते हैं, ढिलो पब्लिकेशंस ले सकते हैं, एनी वन बुक आप ले सकते हैं. अगर बुक्स में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप loggery.com/lawbooks पे जा सकते हैं. ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, जहाँ पे बुक्स की फोटोज़ हैं और लिंक्स भी हैं खरीदने के लिए, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, अब यहाँ पर idioms, लीगल टर्म्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, हर रोज 5 to 10 ईच हर रोज़ याद करनी है. लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो है loggery.com पे जब आप जाओगे तो वहाँ पर मैंने लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स का PDF शेयर करा हुआ है, वो आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो. उसके बाद ग्रामर, प्रेपोजिशंस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, समझना है, लर्न करना है किसी भी बुक में से ग्रामर की. मैंने ऑप्शंस आपको दे दिए हैं और फिर स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस करनी है. इससे पहले कि आप ग्रामर स्टार्ट करो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डन करके रख दोगे, सिंपल प्रैक्टिस भी करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा. मैथ जो है 18 डेज वंडर बाय एस्टन में से आपको करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है. देखो यार बहुत बच्चे मैथ्स और करंट अफेयर्स को छोड़कर जाते हैं इस एग्जाम में, सोचते हैं कि
कि छोड़ो यार क्या ही है, ये नहीं करते, इजी कर देते हैं. वैसे अगर उनको पूछो आपको एडमिशन चाहिए, हाँ हाँ एडमिशन चाहिए, मैं कुछ भी कर दूंगा, तो करो ना. मैथ्स और करंट अफेयर्स करना ज़रूरी है, सिलेबस सारा इंपॉर्टेंट है. अब अगर आप फर्स्ट मंथ में क्या चीज़ पिक करें, देखिए अगर आपके पास चाहे 15 डेज हैं, चाहे 20 डेज हैं, चाहे आपके पास 6 मंथ्स हैं, चाहे आपके पास 1 ईयर है, आप इस एग्ज़ाम की जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं. और मैं तो कहती हूँ आप एक ट्राई, गुड ट्राई दे सकते हैं. ऑब्वियसली 15 डेज में तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करके जाने चाहिए, जो कि मैं आपको लिस्ट हर साल देती हूँ निकाल करके. एंड ऑल्सो आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, राइट. अब यहाँ पर जो भी टाइम है फर्स्ट मंथ में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और टॉट्स कवर करने की कोशिश करिए. कुछ जो आपके लॉजिकल के टॉपिक्स हैं, मैथ्स के टॉपिक्स हैं, इनसे आप स्टार्ट करिए. अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें कि कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्लाइड पर जाऊँगी. यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आप देखिए यहाँ पर लीगल एप्टीट्यूड जो है वो 40 मार्क्स का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करिए. साथ ही में करंट अफेयर्स करना स्टार्ट कर दीजिए डे वन से, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आप नहीं करेंगे तो ये तो बढ़ते ही जाएंगे. करंट अफेयर्स आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे, जिस दिन आप जा रहे होगे आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा और वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत हेल्प करेगा. और अगर करंट अफेयर्स करोगे तो वो 5-6 मार्क्स जो चाहिए ना 130-125 टच करने के लिए, वो हेल्प होगी. तो करंट अफेयर्स को पहले दिन से चालू कर दो. लीगल एप्टीट्यूड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले करो, एंड फिर उसके बाद आपका टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये सब कुछ करो. और साथ ही साथ में क्वेश्चंस भी निपटाते जाओ, जैसे मैंने आपको बोला है कैसे करना है, कौन से क्वेश्चंस, वो डिस्कस करा है हमने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में. उसके बाद आप स्टैटिक जीके पे भी आ सकते हो, या फिर आप लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग पे आ सकते हो. कोई भी इन दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो. एंड फिर इंग्लिश और मैथमेटिक्स आ जाता है आपका, ठीक है. मैं आपको ये कहूँगी कि पहले करंट अफेयर्स, दूसरा लीगल, ठीक है, तीसरा लॉजिकल, चौथे पे अपनी स्टैटिक जीके रखो, फिफ्थ पे इंग्लिश और सिक्स पे लीगल एप्टीट्यूड. ये सीक्वेंस रहनी चाहिए. यस, अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए. अगर आप स्कूल जा रहे हो तो बिल्कुल स्कूल के साथ आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसके अंदर आप 1 आवर या तो आप एजुगिरी का यूट्यूब चैनल जो है वो हर रोज फॉलो करें, वहां से करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं, 30 मिनट्स हर रोज रिविजन के लिए निकालें, वो नोट्स की रिविजन कैसे करनी है एजुगिरी पर डिस्कस किया हुआ है. अगर आप हर रोज इतना टाइम नहीं दे सकते डेली, तो आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर ओनली 10 डेज आप 1 आवर जो है वो logri.in पर अपना वन शॉट देख लिया पिछले महीने का, और जो पिछली न्यूज़ है वो रिवाइज कर ली अपने नोट्स में से. छोटू नोट्स होते हैं, logri पर पता चल जाएगा जाके कैसे क्या करना है, ठीक है. तो फिर आप 1 और बाकी जो 20 डेज हैं ये 1 आवर आप किसी सब्जेक्ट स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा 2 घंटे और जो है आप सब्जेक्ट चला सकते हैं. तो मतलब जैसे आपने 10 डेज करंट अफेयर्स पढ़ा इस 1 आवर में logri.in से, क्योंकि वन शॉट 7-8 आवर्स के ही होते हैं पूरे महीने के, तो बहुत कम टाइम लगता है करने में, ठीक है. और बाकी के जो 20 दिन हैं उसमें आप यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर 1 कवर कर सकते हैं और फिर सब्जेक्ट नंबर 2 यहाँ पर. सब्जेक्ट नंबर 1 कोई भी उठा सकते हैं, करंट अफेयर्स तो आप कर ही रहे हैं 10 दिनों के लिए, 20 दिन में आप रिविजन भी कर सकते हैं 10 दिन में पिछले महीनों के, और बचे हुए 10 दिन में आप मान लो स्टैटिक जीके का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, साथ में लीगल कर रहे हो, लीगल खत्म हो गया तो स्टार्ट कर दो. ये आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हो सकता है. अगर आप एक ड्रॉपर हो, कॉलेज के साथ आपने ड्रॉप लिया है, तो अगेन आपके पास जितना भी टाइम है 4-5 आवर्स आप उसका ऐसे ही यूज कर सकते हो. अगर आप एक फुल टाइम ड्रॉपर हो, ऑब्वियसली आप ज्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट साथ में चलाओगे, आपके जो स्लॉट्स होंगे सब्जेक्ट नंबर 3-3 सब्जेक्ट्स आप एक साथ चला सकते हो. करंट अफेयर्स का 1 स्लॉट, सब्जेक्ट नंबर 1 कोई भी बना सकते हो, सब्जेक्ट नंबर 2 और सब्जेक्ट नंबर 3 कर सकते हो. एंड ऑल्सो यहां पर आप जो है 2-2 घंटे का स्लॉट रख सकते हो, तो यहाँ पर 4-7 आवर्स के और 1 आवर का प्रीवियस मंथ का रिविजन स्लॉट भी रख सकते हो, राइट. दिस इज व्हाट यू कैन डू. तो दिस इज व्हाट इज द स्ट्रेटजी. कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, एंड ऑल्सो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर. कोई भी कंफ्यूजन है स्टडी मटेरियल को लेकर के, या आपको हमारे कोर्सेज से लेकर के, वहां पर मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे. मैं वहां पर @iamlogri के नाम से हूँ, राइट. एंड ऑल्सो गाइज हमारी ईमेल लिस्ट जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हम आपकी बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर.